उसकी माँ कह रही है, उसकी उसकी माँ कह रही है कि बाबा जी में कुछ तो है ऐसा, ऐसे बोले बोले 13 साल से वो बच्ची खड़ी नहीं हो, अभी पैरों का मूवमेंट शुरू हो गया ना, उसकी माँ को बोल देना क्या और 3 बार यहाँ लाए, मैं यहाँ से दौड़ा के, अगर उसकी माँ उसको पकड़ ले, बच्ची दौड़े और उसकी माँ पकड़ ले तो मेरे को बताना, इतनी तेज दौड़ेगी, हाँ 3 कैंप लाना, उसकी माँ को बोल देना कि उसको पकड़ के दिखाना, बिल्कुल आपको जरूर लेके आएंगे बाबा जी, 3 कैंप में लगा और दौड़ दी जाएगी, धन्यवाद बाबा जी, हरियाणा से बाबा जी, माता जी भला करे, 3 कैंप लाना, तेरी बच्ची को तो पकड़ के दिखा देना, निश्चित रूप से, वाकई में मैंने स्वीकार किया, मेरा चैलेंज तू स्वीकार कर, उसको 3 बार तीन बार आपका चैलेंज स्वीकार कर रही हूँ, चैलेंज से काम करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी ने आज चैलेंज से काम करके दिखाया है और वाकई में बहुत ही शानदार काम। दोस्तों आज हम काली कंबल वाले बाबा जी के कैंप में हैं और बाबा जी को हमने एक वीडियो में चैलेंज किया था कि बाबा जी हम जिस मरीज को आपको बताएंगे क्या आप उस मरीज को ठीक कर देंगे, तो बाबा जी ने कहा हाँ मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ, आप किसी भी मरीज के पास जाइए और उसके पास जाकर के उसकी पहले समस्या सुनिए फिर मुझे बताइए मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो हम इतने सारे लोग हैं, इनमें से एक बहन के पास आए हैं और इन बहन से जानते हैं कि बहन क्या नाम है आपका? सुदेश है भैया, हरियाणा। सुदेश हरियाणा से, ये क्या रखती है आपकी बेटी? है मेरी बेटी। इसको क्या हुआ है? खड़ा नहीं होया जरा भी। कितने साल से खड़ा नहीं हो रहा है? 12 से 13 साल से। 12 से 13 साल ईमानदारी के साथ कह रही हूँ खड़ा नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही भैया। कसम खा के कह रहा हूँ माँ काली की, माँ काली की कसम मेरी बेटी आज तक खड़ी नहीं हुई है। अभी अभी हमने बाबा जी को कहा कि अगर आप में है कुछ दम तो इस बेटी को खड़ा करके दिखाओ, वो कर वो बाबा जी ने कहा कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, तो बुला दूं बाबा जी को? बुला दो भैया। यूँ पक्का? पक्का भैया। पक्का खड़ा नहीं होती है? आज तक खड़ी नहीं हुई है मेरी बेटी। अब बोल पाती है ये? हाँ बोलती है। अब खड़ी नहीं हो पाती? नहीं खड़ी नहीं होती। इसका नाम क्या है? संजू। अगर ये बच्ची खड़ी हो जाती है तो फिर बाबा जी को क्या कहेंगे आप? हम बाबा जी को भगवान मानेंगे, हम हमारे देवता को भी छोड़ के बाबा को मानेंगे। बिल्कुल, देखिए बाबा जी मेरे सामने खड़े हैं, बाबा जी को एक बात कहना चाहूंगा। 2 मिनट में बाबा जी आ रहे हैं, अब देखते हैं। ये सुदेश ने कहा है कि मेरी बच्ची 12 साल से खड़ी नहीं हुई है, ये बच्ची 12 साल से नहीं हुई। हाँ भैया 12। तो कितने डॉक्टरों के पास गए आप? मैंने जहाँ भी डॉक्टर या कोई सियाणा पूछा कोई भी नहीं छोड़ा आज तक भैया, चंडीगढ़ सब जगह पर घुमा लिया, हरियाणा में जो भी जहाँ भी यूट्यूब या फेसबुक के जरिए बाबा जी को देखा था। देखिए बाबा जी आ गए हैं, देखिए बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी को हमने चैलेंज दिया था और बाबा जी यहाँ पर, हाँ 12 साल से बच्ची खड़ी नहीं हुई है और बाबा जी इसको अभी खड़ी कर रहे हैं। देखिए देखिए 12 साल से जो बच्ची खड़ी नहीं हुई है, हमने बाबा जी को चैलेंज किया और बाबा जी यहाँ पहुँच गए बीच मंडल में और इस बच्ची खड़ी करने का हमारा चैलेंज स्वीकार किया है। हम माँ काली से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची ठीक हो जाए, इसकी माँ की आंखों में आंसू है, आप देखिए जरा शांति करके बैठ जाइए। बाबा जी यहाँ दूसरी तरफ खड़ी करो, इसको खड़ी करो, कृपया शांति करके बैठ जाए, खड़ी करो भैया। देखिए बाबा जी का चैलेंज, अरे खड़ी कर खड़ी कर खड़ी कर तू, अरे दूसरे को दे तू तू, आज नाम नहीं बोलेगा गुप्ता ने, आओ खड़ी करो इसको, ए बेटा खड़ी करो। 12 साल से जो बच्ची खड़ी नहीं हुई है उसको यहाँ खड़ी करने का चैलेंज बाबा जी ने स्वीकार किया है और इस चैलेंज का देखिए आज का पैसा है, पूरा पैसा आपका 1-1 रुपया है, उसका टेंट लाया जाएगा, अब इसको बाबा जी टेंट की व्यवस्था बनाई जाएगी, आज नाम नहीं बोला जाएगा गुप्ता ने। बाबा जी इसको खड़ी कर रहे हैं, देखिए 12 साल से बच्ची खड़ी नहीं हुई है और इसको बाबा जी ने चैलेंज स्वीकार किया है कि ये खड़ी कर देंगे। चला उसको दे दे, चला चला, अच्छी तरह चला, अच्छी तरह पकड़, चला चलो बेटा चलो, चला चलो चला चलो चला उसको, चलो देखिए जरा देखिए पैर ये बच्ची हिला रही है, पहले कभी ऐसा हिला था? पैर तो हिलते थे भैया लेकिन चलती नहीं थी, अभी चलने लग गई है। अभी कितना खर्च पैसा कभी हुआ पहले? नहीं ऐसे करते हैं ना तो ऐसे तो चलती लेकिन खड़ी नहीं होती खुद से। अभी अभी क्या लगता है चैलेंज बाबा? देखिए अभी बच्ची अपने आप पैर हिलाते हिलाते आगे जा रही है, मेरे सहयोगी से कहूंगा उस बच्ची को दिखाएं, उस बच्ची को दिखाएं, बच्ची को लेके जा रहे हैं, खुद से नहीं खड़ी होती भैया, ऐसे लेके चलेंगे ऐसे पाँव को तो करते हैं लेकिन खुद नहीं खड़ी होती मेरी बेटी। अच्छा अब आपने जो बाबा जी ने किया इसमें क्या लगा आपको, कुछ फर्क लगा है? हाँ कुछ तो है बाबा जी, बाबा जी में कुछ तो है। तो अब आज तीसरा दिन है? हाँ तीसरा दिन है, बाबा की हाजिरी लगे हुए तीसरा दिन हमें यहाँ पे। हाँ निश्चित रूप से देखिए
जो बच्ची 13 साल से खड़ी नहीं हो रही थी, बाबा जी ने उसको खड़ा कर दिया। और बहन कह रही है हल्का सा फर्क है बाबा जी में, कुछ तो है बाबा, ईमानदारी से बोलना, कुछ तो है बाबा जी में, ईमानदारी से बोलो भैया, कुछ तो है बाबा जी में। क्यों? पक्का अभी आप यहाँ और रुकेंगे? 5 दिन का कैंप पूरा करके जाएंगे। बिल्कुल, बाबा जी ने एक चैलेंज स्वीकार कर दिया और बच्ची जो 13 साल से खड़ी नहीं हो पा रही थी, हल्का सा उसको खड़ा किया और बच्ची पैर हिलाना मूवमेंट करना शुरू कर दिया है और चलकर बाहर की तरफ भी गई है। और इसकी माँ जो है ने कहा है कि बाबा जी में कुछ तो है। अब मैं जाता हूँ बाबा जी के पास, बाबा जी के पास जाता हूँ मैं। भैया ये लोगों को, उसकी माँ कह रही है, उसकी माँ कह रही है कि बाबा जी में कुछ तो है। ऐसा ऐसे बोले? 13 साल से वो बच्ची खड़ी नहीं हो, अभी पैरों का मूवमेंट शुरू हो गया ना। उसकी माँ को बोल देना क्या, और 3 बार यहाँ लाए, मैं यहाँ से दौड़ा के, अगर उसकी माँ उसको पकड़ ले, बच्ची दौड़े और उसकी माँ पकड़ ले ना, तो मेरे को बताना। इतनी तेज दौड़ेगी? हाँ, 3 कैंप लाना, उसकी माँ को बोल देना कि उसको पकड़ के दिखाना। बिल्कुल, आपको जरूर लेके आएंगे बाबा जी, 3 कैंप में लगा और दौड़ दी जाएगी। धन्यवाद बाबा, हरियाणा से बाबा जी। माता जी भला करे, 3 कैंप लाना, तेरी बच्ची को तो पकड़ के दिखा देना। निश्चित रूप से, वाकई में मैंने स्वीकार किया, मेरा चैलेंज तू स्वीकार कर, उसको 3 बार चैलेंज स्वीकार कर, चैलेंज से काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी ने आज चैलेंज से काम करके दिखाया है और वाकई में बहुत ही शानदार काम।